इस कमल के पुष्प को देख रहे हैं, इसकी एक विशेष बात है। जल स्तर कितना भी बढ़ जाए, ये पुष्प सदैव जल सतह के ऊपर ही रहेगा। और इसका कारण है इसकी ये नाक। जैसे जैसे जल स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे ये नाल भी बढ़ती और इस पुष्प को जल सतह के ऊपर रखती। किंतु जब जल स्तर घटता, ये नाल घट नहीं पाती और फिर स्वयं के साथ ही इस पुष्प का भी विनाश कर देती। मनुष्य के साथ भी यही होता है। जैसे जैसे मनुष्य समृद्ध होता जाता है, वैसे वैसे उसका जीवन स्तर बढ़ता जाता है, उसकी अपेक्षाएं, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती। किंतु जब संपन्नता घटने लगी, उसकी आवश्यकताएं कम नहीं हो पाती और फिर इसी कमल की भांति मनुष्य भी टूट जाता है। तो फिर क्या करें, क्या किया जाए इस परिस्थिति में? जीवन स्तर बढ़ाना छोड़ दे? कदापि नहीं। किंतु जीवन स्तर बढ़ाने के साथ साथ ही अपनी आत्मशक्ति को सुदृढ़ करें। संकट का समय आने पर आप अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, इसका अभ्यास करें। क्योंकि जीवन स्तर और जल स्तर तो घटते बढ़ते रहेंगे। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इन दोनों के बीच का तालमेल कैसे सुनिश्चित करते हैं। राधे राधे।